नमस्कार साथियों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे माइटोसिस डिवीजन। पिछले क्लास में हम कराए थे सेल साइकिल को, तो आप पिछले क्लास वीडियो में जाकर के आप सेल साइकिल को पढ़ सकते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे माइटोसिस डिवीजन यानी कि समसूत्री विभाजन, जो हर एग्जाम में इसमें का जो जितने भी महत्वपूर्ण जो टर्म आता है पूछे जाते हैं, हम सारे टर्म को रेखांकित करके पढ़ेंगे। तो आप वीडियो का पूरा ध्यान से लास्ट तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आपका हर एक सेकेंड क्या है इसमें वैल्यूएबल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस डिवीजन के बारे में। तो माइटोसिस डिवीजन की जो टर्म है, माइटोसिस जो टर्म दिया था इसको दिया गया था डब्लू फ्लेमिंग को जाता है इसका श्रेय, ठीक है। तो कई बार ये पूछ देता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि माइटोसिस जो टर्म है किसके द्वारा दिया गया था, तो आपको याद रखना है किसके द्वारा दिया गया था, फ्लेमिंग के द्वारा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके जो खोज के बारे में हम देखेंगे जो माइटोसिस डिवीजन होता है इसमें, है ना। वैसे तो जो माइटोस का मतलब होता है जो थ्रेड, यहाँ पर क्या है विभिन्न प्रकार के जो सूत्री जो अवस्था पाए थे उसका हम अध्ययन करेंगे। तो इसका जो खोज का श्रेय जाता है पौधों में, सबसे पहले इन्हें देखा था माइटोसिस डिवीजन को स्ट्रासबर्गर 1870 में, है ना, 1870 में स्ट्रासबर्गर नामक जो साइंटिस्ट है उन्होंने देखा था किसमें, पौधों में, है ना। इसके अलावा जंतुओं में इन्होंने जो देखा था उनका जो जंतुओं में जो श्रेय जाता है डब्लू फ्लेमिंग 1882 को जंतु में माइटोसिस डिवीजन का खोज का श्रेय जाता है, और इन्हीं जो डब्लू फ्लेमिंग को ही किसका श्रेय जाता है, जो टर्म माइटोसिस का भी श्रेय दिया जाता है। अब हम बात करें जो माइटोसिस है ना, जो माइटोसिस यानी कि जो कोशिका की गुणन है, तो है ना, कोशिका की गुणन यानी कि जो एक कोशिका से कितना बनेगा, इस प्रकार से दो कोशिका, ठीक है, फिर इस दो से फिर क्या बनेगा, चार कोशिका, यानी कि यहाँ पर जो भी कोशिका का जो निर्माण होगा, ठीक इसी प्रकार दो चार छः है ना, दो चार से आठ सोलह बत्तीस, यानी कि जस्ट जो क्या है कोशिका डबल हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो माइटोसिस डिवीजन है यह कायिक कोशिका में संपन्न होती है। याद रखिएगा कायिक कोशिका यानी कि जो सोमैटिक सेल है इनमें ये माइटोसिस डिवीजन पाई जाती है ना। कई बार ये पूछ देता है कि माइटोसिस डिवीजन परफॉर्म करके, है ना, तो आपको याद रखना है कि माइटोसिस डिवीजन परफॉर्म करता है कायिक कोशिकाओं में यानी कि दैहिक कोशिका या सोमैटिक सेल में माइटोसिस डिवीजन संपन्न होती है। इसके अपोजिट अगर पूछ देंगे कई बार जो म्यूटिक में है ना, तो म्यूटिक डिवीजन को भी हम अलग अगले क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो म्यूटिक डिवीजन है वो जर्म सेल में पाया जाता है, जबकि जो माइटोसिस डिवीजन है समसूत्री विभाजन है या कायिक कोशिका या दैहिक कोशिका में संपन्न होती है। हम यहाँ पर देखेंगे अगर हम इसे परिभाषित तौर से अगर हम देखें तो माइटोसिस डिवीजन में यह क्या होता है, जो एक कोशिका से दो संतति कोशिका का निर्माण होता है जिनमें देखेंगे तो केंद्रक कोशिका द्रव्य तथा गुणसूत्र का विभाजन होता है। तो विभाजन के में हम यहाँ क्या देखें जी, जो कोशिका है इस कोशिका से मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, और यहाँ पर जो विभाजन होता है यहाँ पर केंद्रक कोशिका द्रव्य और गुणसूत्र का विभाजन होता है, यानी कि तीनों चीज के क्या है कंप्लीटली क्या है विभाजन होता है, और विभाजन से जो कोशिका का जो निर्माण होता है पुत्री कोशिका, इसमें गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिका के बराबर होगा। अर्थात आपको ये बात याद होना चाहिए कि इसमें जो भी दो कोशिका बनेगा विभाजन के बाद वह मातृ कोशिका के बराबर होगा यानी कि उसी के समान होगा, यानी कि अगर मातृ कोशिका में अगर 4n है क्रोमोसोम, ठीक है, यहाँ देख लीजिए अगर इसमें कितना है मातृ कोशिका में क्रोमोसोम अगर 4n है तो ये पुत्री कोशिका में भी क्या होगा 4n होगा, यानी कि जो क्रोमोसोम से क्या होगा बराबर होगा, किसके बराबर, मातृ कोशिका के बराबर होगा जो पुत्री कोशिका में। अब हम यहाँ पर आते हैं इसका महत्व को कि माइटोसिस डिवीजन क्यों होना चाहिए, है ना सर, क्या महत्व है जो बायोलॉजिकल प्रोसेस में। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि यह वृद्धि व विकास के लिए क्या है जरूरी है। आप लोगों को पता होगा साथियों कि किसी भी जीव है, अगर किसी जीव का जो स्टार्ट होगा शुरुआती दौर में उसका जीवन एक कोशिका से स्टार्ट होता है, यानी कि एक हम बात करें एक ईग और एक स्पर्म के जो फ्यूजन से, है ना, जो
बनता है यहाँ पर क्या, जो ईग और स्पर्म के जो फ्यूजन से एक जो कोशिका का निर्माण होता है जिसे हम बोलते हैं जायगोट। ठीक है, हम किसी भी जीव के बारे में देखेंगे तो जायगोट, और इस जायगोट में कंटिन्यूअसली फिर क्या होता है, यहाँ पर जो डिवीजन होगा वह क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, और माइटोसिस डिवीजन से 2 से 4, ठीक है, 4 से 8, 16, तो इस तरह कार्य क्या है, जो कायिक कोशिका में माइटोसिस डिवीजन होती है, तो हमारे वृद्धि और विकास के लिए क्या है, माइटोसिस डिवीजन का होना आवश्यक है। दूसरा इसका महत्व तो देखेंगे अनुवांशिक स्थायित्वता, है ना। अभी देखिए यहाँ पास हम देखे थे कि यहाँ पर जो क्रोमोजोम्स है यह क्या होता है, बराबर होता है ना पुत्री कोशिका में, तो इससे क्या है, जो अनुवांशिक स्थायित्वता है ना, यानी कि जैसा जो क्रोमोजोम्स है, जो जीन है पेरेंट में है, वो क्या है उसका पुत्री कोशिका में डॉटर सेल में पहुंच जाता है। तीसरा चीज हम देखेंगे मरम्मत, है ना, अगर जो बॉडी में कहीं पर टूट फूट हो गया, है ना, कहीं पर जो टूट फूट हो गया तो उसके जो मरम्मत के लिए भी किस तरह का डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन से ही क्या होता है ना मरम्मत, यानी कि जो घाव का भी जो भरना है यह माइटोसिस डिवीजन से संपन्न होती है ना। आप लोग देखे होंगे अक्सर कहीं पर क्या है, चोट लग जाती है, तो चोट लग जाती तो घाव कैसे भरती है, माइटोसिस डिवीजन से होती है। अगर हम पौधों में देखें तो पौधों में बेस्ट तरीके से हम देख सकते हैं, कहीं देखना कि जो पेड़ है तो पेड़ में क्या है, जब कुल्हाड़ी लगे रहता है तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है, कोशिका से धीरे धीरे ये भर आता है, ग्रीन कलर दिखा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन के द्वारा जो घाव है वह क्या है, भरता है। आप लोग को भी देखा होंगे कहीं पर कहीं कोई गिर गया या कुछ हो गया तो वहाँ पर जब कट जाता है, तो कट जाता है तो कैसे भरता है, माइटोसिस डिवीजन से, वहाँ पर जो कोशिका है डिवीजन करके उस जगह क्या करता है, मरम्मत करता है, उस घाव को भरता है। जीवन की सत्ता, ये जो जीवन है जिंदगी है उसको सत्ता बनाए रखने के लिए, कंटिन्यूसली बनाए रखने के लिए माइटोसिस डिवीजन का होना बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार इसका जो महत्वपूर्ण जो महत्व है माइटोसिस डिवीजन का, इसके हम देखें। अब बात करते हैं जो माइटोसिस डिवीजन है, इस माइटोसिस डिवीजन की अवस्थाएं की बात करेंगे, इनमें क्या क्या जो स्टेजेस पाई जाती है, तो हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें दो महत्व नजर आता है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस या केंद्रक द्रव्य विभाजन, या केंद्रक विभाजन हम कह सकते हैं, और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में यहाँ पर देख लीजिए, कैरियोकाइनेसिस यानी कि केंद्रक विभाजन, और साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन। हम बात करेंगे यहाँ पर दोनों चीज को, तो कैरियोकाइनेसिस यानी कि जो केंद्रक है, ठीक है, न्यूक्लियस है, कैरियन है, इसका क्या है डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहेंगे, और दूसरा चीज है साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस चलेगी, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस, इसमें जो कोशिका है डिवीजन के बाद में यह क्या है, इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करके डॉटर संतति को जो कोशिका है उसको अलग होने में मदद करता है। तो हम देखेंगे कैरियोकाइनेसिस में मुख्यतः 4 जो प्रवस्था हम देखेंगे, सब प्रवस्था देखेंगे यहाँ पर। पहला हम देखेंगे प्रोफेज या पूर्व अवस्था, यह क्या है कोशिका विभाजन की, माइटोसिस डिवीजन की प्रारंभिक अवस्था होती है। दूसरा चीज हम देखेंगे मेटाफेज या मध्य अवस्था। तीसरा देखेंगे एनाफेज या पश्चावस्था, और चौथा देखेंगे टीलोफेज या अंत्यावस्था। तो हम इस जो चारों जो प्रवस्थाओं को बारी बारी क्या है डील करेंगे, ताकि हम एक एक अवस्था को बारीकी से समझ सकें। हम सबसे पहले देखेंगे प्रोफेज को, तो प्रोफेज यानी कि पूर्वावस्था, यह कोशिका विभाजन की हम देखेंगे जो माइटोटिक डिवीजन का सबसे लंबी प्रवस्था होती है ना, क्या होती है सबसे लंबी प्रवस्था होती है। इसे हम देख लीजिए, 3 जो डायग्राम है इसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे तो पूर्वावस्था क्या खासियत है, यहाँ पर जो क्रोमोजोम है, ठीक है, आरंभ में पूर्वावस्था में देखेंगे तो क्रोमोजोम क्या रहेंगे, पतले और जालिका युक्त रहेंगे। देख लीजिए इस प्रकार से पतले और जालिका युक्त रहेंगे। साथ साथ हम यहाँ पर देखेंगे अगर एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में क्या है, धारककाय पाया जाएगा, ठीक है, केंद्रिका भी क्या है देख लीजिए केंद्रक के अंदर में स्पष्ट रहेगा। जैसे ये क्या होते हैं आगे चल करके ये जो क्रोमोजोम्स है यह कुंडलित होगा
और आकार में छोटे और मोटे होने लगेंगे, ठीक है, या आकार में छोटे मोटे और क्या होने लगेंगे, स्पष्ट होने लगेंगे, ठीक है, आकार में छोटे है ना मोटे और स्पष्ट होने लगेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे जो पूर्वावस्था में है ना, इसका जो लेट प्रोफेज है, ठीक है, लेट प्रोफेज है, तो लेट प्रोफेज के आते आते ये जो इसका जो क्रोमोजोम्स है यह क्या होगा, अत्यधिक स्पष्ट हो जाएगा, और साथ साथ यहाँ पर जो केंद्रिका झिल्ली है, ठीक है, केंद्रिका झिल्ली क्या हो जाएगा, विलुप्त तो हो जाएगा, ठीक, यही इसका क्या है, पहचान है। और केंद्रिका झिल्ली के विलुप्त तो होने के बाद में प्रोफेज में जो क्रोमोजोम्स है यह साइटोप्लाज्म में रहता है, और ये पूछ देता है कि प्रोफेज में जो क्रोमोजोम जो अपेयर होता है तो क्रोमोजोम्स कहाँ पास पाया जाता है, केंद्रक, केंद्रक द्रव्य है ना, कोशिका द्रव्य, तो आपको याद रखना चाहिए कि यह कहाँ आता है, पूरा कोशिका द्रव्य में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो केंद्रक झिल्ली रहता है वो क्या है, विलुप्त तो हो जाता है ना। इसके बाद में हम देखेंगे अगर ये कोशिका जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका में जो तारक काय होता है, ठीक है, जो तारक काय होता है यह भी विभाजन करता है साथ में, और तारक दो तारक केंद्र का निर्माण करता है, और यही तारक केंद्र जो पोल की ओर क्या करता है, पोल की ओर गति करता है, और ये क्या होता है, पोल की ओर आकर स्पष्ट क्या होता है, स्थापित हो जाता है, और साथ साथ जो लेट प्रोफेज की अवस्था में यहाँ पर क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है, ठीक, जिसे स्पिंडल फाइबर या तर्कु तंतु के नाम से हम जानते हैं। ये इसका क्या है, बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है कोशिका विभाजन में, है ना, तो यहाँ पर आकर के स्थापित हो जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे जो लेट प्रोफेज को कई बार पूछ देता है कि जो स्पिंडल फाइबर का निर्माण कहाँ पर आरंभ होता है, कहाँ दिखाई देता है, सबसे पहले अपेयर होता है, तो आपको याद रखना है जो लेट प्रोफेज की जो अवस्था है इसी अवस्था में स्पिंडल फाइबर फर्स्ट टाइम क्या है, अपेयर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या है, प्रोफेज में याद रखना है, प्रोफेज में क्या याद रखना है, इसका जो क्रोमोजोम्स है पतले और क्या रहेंगे, जालिकावत रहेंगे स्टार्टिंग में, इसके बाद में ये क्या होता है, इसमें कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, कंडेंसेशन के बाद में यह छोटे आकार में छोटे और स्पष्ट होते रहेंगे, ठीक है, और इस देन क्या होगा, इनका जो केंद्र झिल्ली है यह धीरे धीरे क्या होगा, डिग्रेड होने लगेगा, और लेट प्रोफेज का पूरा केंद्र झिल्ली क्या है, विलुप्त तो हो जाएगा, तारक केंद्र भी तारक का विभाजन करके तारक केंद्र का निर्माण करेगा, और स्पिंडल फाइबर लेट प्रोफेज तक अपेयर होने लगेंगे। तो इस प्रकार से इसमें आपको याद रखना है। दूसरा चीज हम देखेंगे मेटाफेज या मध्यावस्था है ना, तो मध्यावस्था, अब मध्यावस्था की बात कर रहे थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज है, क्योंकि कोशिका विभाजन जो अध्ययन के लिए सबसे उत्तम या सबसे बढ़िया स्टेज माना जाता है, जिसमें हम क्रोमोजोम के आकारकी का अध्ययन कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या होता है, जो मिडिल मध्य है ना, सभी जो गुणसूत्र क्या रहता है, मध्य प्लेट पर क्या है, आकर के व्यवस्थित हो जाता है ना। मध्यावस्था का ये जो खास जो लक्षण है कि सारे जो क्रोमोजोम है एक सीध में एक मध्य प्लेट में आकर के व्यवस्थित हो जाते हैं। हम देखेंगे यहाँ पास जो क्रोमोजोम्स का है ना, तो क्रोमोजोम्स में हम देखेंगे जो गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर है यह मध्य प्लेट में व्यवस्थित रहेंगे, मध्य प्लेट की ओर विन्यासित रहेंगे, तथा ये जो क्रोमोजोम्स है यह इस प्रकार ध्रुव की ओर क्या रहेगा, विन्यासित रहेगा। तो यहाँ पर पूछ देता है कि मध्यावस्था में क्रोमोजोम्स किस ओर विन्यासित रहता है, तो आपको यहाँ पर लेना है, आंसर लेना है, क्या लेना है कि मध्यावस्था में क्रोमोजोम्स ध्रुव की ओर विन्यासित रहता है, जबकि इसका सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर है वह मध्य प्लेट यानी कि जो केंद्र की ओर इसका जो सेंटर है उस पार्ट में क्या है, विन्यासित रहता है, मध्य प्लेट में यह क्या है, अरेंजमेंट रहता है। हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ दो प्रकार की जो फाइबर दिखाई देगा, क्योंकि मेटाफेज में ही स्पिंडल फाइबर का पूर्णतः विकास होता है, जो लेट प्रोफेज में स्टार्ट होने वाला रहता था यहाँ पर जो बन रहा था वो यहाँ आकर के पूरा बन जाता है, और यहाँ पर हमको दो प्रकार के फाइबर देखने को मिलता है। इसमें जो स्पिंडल फाइबर में दो प्रकार के जो फाइबर है, इसमें एक होता है डिसकंटिन्यूअस या क्रोमोजोमल, और दूसरा क्या है, कंटिन्यूअस फाइबर। तो देख लीजिए जो फाइबर है ना, जो स्पिंडल फाइबर देख लीजिए जो पूरा कंटिन्यू है ना, इस दोनों पोल एक पोल से दूसरे पोल तक पूरा जाता है, दोनों तारक केंद्र तक,
उसे हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस फाइबर के नाम से जानेंगे, ठीक है जी, क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस फाइबर। और दूसरा चीज क्या है, वह फाइबर जो सेंट्रोमियर तक आता है, क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर यानी कि मध्य प्लेट तक ही आता है, फिर यहाँ फिर शुरू होकर के फिर यहाँ तक आता है, इसे हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस फाइबर या क्रोमोसोमल फाइबर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है मध्य अवस्था में कि जो बड़े क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, बड़े क्रोमोसोम्स होंगे या इधर परिधि की ओर होंगे, जबकि छोटे क्रोमोसोम होंगे वह केंद्र की ओर क्या रहेगा, अरिज रहेंगे, है ना। तो इसको भी आपको याद रखना है कि जो बड़े क्रोमोसोम से कहां पर से परिधि की ओर, जबकि छोटे क्रोमोसोम क्या होगा, मध्य भाग की ओर क्या है, विन्यासित रहेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे महत्वपूर्ण चीजें कि एनिमल जो सेल रहेगा, अगर ये कोशिका है, एनिमल कोशिका है, तो एनिमल कोशिका में अगर हम देखेंगे तो ध्रुव पर क्या है, तारक केंद्र, है ना। अब देखेंगे तो एनिमल सेल में दोनों ध्रुव में क्या है, तारक केंद्र का निर्माण होगा, है ना, दोनों ध्रुव में क्या रहेगा, तारक केंद्र का। और तारकीय अरे यानी कि जो एक्सटर्नल रे का भी निर्माण होता है ना। जबकि इसी चीज का हम देखेंगे प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में तारक केंद्र का निर्माण नहीं होता है। ये मेजर डिफरेंस है प्लांट सेल के जो माइटोटिक और एनिमल सेल के माइटोटिक डिवीजन में, ठीक है। तो यहाँ पर सबको क्या होगा, क्वेश्चन बनेगा कि क्या ऐसे चीज अंतर है ना, आपको मन में आएगा कि यहाँ पर जो तारक केंद्र है, तारक केंद्र का जो रोल है स्पिंडल फाइबर को बाइंड करना, और एनिमल प्लांट सेल में ऐसा चीज नहीं पाया जाता तो किसने बाइंड करता हो करके। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो ध्रुव की ओर एम टॉक सेंटर पाया जाता है, और एम टॉक सेंटर से स्पिंडल फाइबर उसमें बाइंड होता है प्लांट सेल में। तो खैर आपको इतना याद रखना है। दूसरा चीज एक और फैक्ट हम देखेंगे, जो एनिमल सेल में जो माइटोसिस डिवीजन चलता है उसे हम बोलते हैं एस्ट्रल माइटोसिस, ठीक, क्या बोलेंगे, एस्ट्रल माइटोसिस या तारकीय माइटोसिस डिवीजन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें तारक केंद्र पाया जाता है, ठीक, एस्ट्रल अरे पाया जाता है, इसीलिए इसे हम एस्ट्रल माइटोसिस के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से दूसरा में हम देखेंगे प्लांट सेल में जो माइटोसिस है उसे एक एस्ट्रल माइटोसिस के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर तारक केंद्र और तारक अरे नहीं पाया जाता है प्लांट सेल में, इसीलिए इसे एक एस्ट्रल माइटोसिस के नाम से जानते हैं। तो मध्य अवस्था में आपको जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट मिला इसको आपको याद रखना है कि सारे क्रोमोसोम मध्य प्लेट में विन्यासित रहेंगे, ठीक है, मध्य प्लेट में क्या है, व्यवस्थित रहेंगे। यहाँ पर याद रखना है कि इसमें जो सेंट्रोमियर है या मध्य प्लेट में, और इस तरह की क्रोमोसोम है या मध्य प्लेट से किधर ध्रुव की ओर क्या है, विन्यासित रहेंगे। इनमें जो क्रोमोसोम्स है या जिसके जो क्रोमोसोम का आर्म है या कहाँ रहेंगे, ध्रुव की ओर विन्यासित रहेंगे, जबकि ये जो सेंट्रोमियर है ये मध्य प्लेट में व्यवस्थित रहेगा, ठीक है। तो इस चीजों को क्या है आपको विशेष रूप से याद रखना है, जबकि इसका फाइबर को भी कई बार पूछ देता है कि जो क्रोमोसोम्स है वह डिसकंटिन्यूअस फाइबर से बाइंड करता है। तो ये सारे जो फैक्ट है इसको आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और क्या है नोट्स बना करके स्टडी करें। हम नेक्स्ट स्टेज देखेंगे एनाफेज स्टेज या अंतरावस्था या कोशिका विभाजन जो माइटोसिस का तीसरा अवस्था है, और इस अवस्था खास बात है कि यह सबसे छोटी प्रवस्था होती है, ठीक है। तो माइटोसिस डिवीजन में सबसे छोटी प्रवस्था होती है एनाफेज, और इस फेज में खास करके जो गुणसूत्र बिंदु है सेंट्रोमियर है इसका क्या होता है, विभाजन होता है, ठीक है। देख लीजिए इस प्रकार जो क्रोमोसोम्स है इस क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है या सेंट्रोमियर क्या होता है, दो भाग में विभाजित हो जाता है तथा इसके बीच में इंटरडोनर फाइबर का भी निर्माण होता है। अगर हम देखेंगे इसका जो पोजिशन को देखेंगे, जो क्रोमोसोम का पोजिशन को हम बात करेंगे, तो गुणसूत्र की भुजाएं कहाँ रहेगा, केंद्र की ओर विन्यासित रहेगा। देख लीजिए भुजा कहाँ है, इधर केंद्र की ओर क्या है, विन्यासित रहता है, और गुणसूत्र जो बिंदु रहता है सेंट्रोमियर है या ध्रुव की ओर विन्यासित रहता है, ठीक है। तो ये पूछ देगा आपको कि एनाफेज में आपका जो क्रोमोसोम है इसका जो क्रोमैटिड्स है वह किस तरफ विन्यासित रहता है, तो आपको याद रखना है यह केंद्र की ओर विन्यासित रहता है, जबकि मेटाफेज में आपको बताया था
कि जो क्रोमैटिड्स हैं, जो क्रोमोजोम का ये कहाँ विन्यासित रहता है, ध्रुव की ओर विन्यासित रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनाफेज में जस्ट जो चीजें पोजीशन है यह क्या होता है, उल्टा हो जाता है। अब उल्टा क्यों होता है उसको भी हम आगे देखेंगे। देख लीजिए, साथ ही इसमें इंटरजोनल फाइबर या अंतर क्षेत्रीय तर्कु तंतु का निर्माण होता है, जो मैं ग्रीन कलर से जो बनाया हूँ ये क्या है, इंटरजोनल फाइबर है, ठीक है। और इंटरजोनल फाइबर का जो एनाफेज में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। हम देखेंगे कि यहाँ पर जो इंटरजोनल जो फाइबर है, इस फाइबर में रिलैक्सेशन मैकेनिज्म चलता है। तो ये क्या करता है, जो क्रोमोसोम को पुश करता है, ठीक। इस क्रोमोसोम क्या करता है, ये पुश करने का काम करता है, ठीक है। और ये जो डिसकंटिन्यूअस फाइबर है, जबकि ये डिसकंटिन्यूअस फाइबर में संकुचन होता है, और ये संकुचन करता है तो क्या करता है, पुल करता है, इसको खींचता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो मैकेनिज्म चलता है, पुल पर प्लस पुश मैकेनिज्म, ठीक है। जिसके वजह से जो क्रोमैटिड्स है, या क्रोमैटिड कहाँ जाता है, या ध्रुव की ओर क्या है, आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार से ये जो स्टेज को हम क्या कहते हैं, एनाफेज स्टेज कहते हैं। इस एनाफेज स्टेज से क्या खासियत है कि यहाँ पर जो सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाता है, ये चीज को आपको विशेष रूप से याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर जो बुल एंड पुश मैकेनिज्म जो होता है, तो इसी कारण से ये जो क्रोमैटिड्स है या ध्रुव की ओर क्या है, गति करता है। साथ ही साथ इसमें जो महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली जो पॉइंट है, इसमें इंटरजोनल फाइबर का निर्माण होता है। तो पूछ देगा कि इंटरजोनल फाइबर का निर्माण माइटोसिस डिवीजन के किस फेज में होता है, तब याद रखना है एनाफेज में इंटरजोनल फाइबर का निर्माण होता है। हम इसी तरीके से देखेंगे यहाँ पास टीलोफेज को। तो टीलोफेज का क्या नाम बोलते हैं, और इसको पश्चावस्था के नाम से भी जानते हैं टीलोफेज को। अब देखेंगे तो टीलोफेज से क्या खासियत है, यहाँ पर हम टीलोफेज को जो एनाफेज में स्टार्ट हुआ था, चूंकि जो पुल हो रहा था है ना, खिंचा रहा था ध्रुव की ओर, तो टीलोफेज में हम आते हैं। तो इतने भी जो क्रोमोजोम्स है यह ध्रुव की ओर जाकर के क्या होता है, खींचा जाता है। अब यहाँ पर दो प्रकार की चीजें होगा, तो हम इसे दो डायग्राम में देखेंगे, एक अर्ली टेलोफेज और लेट टेलोफेज के डायग्राम में देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो जस्ट यहाँ पर जो क्रोमोसोम है, यहाँ पर हम देखेंगे कि यह प्रोफेज की जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि प्रोफेज में हम पढ़े थे कि जो क्रोमोसोम क्या कंडेंसेशन होता हुआ था है ना, कुंडलन हुआ था, और क्रोमोसोम छोटा और मोटा हुआ था प्रोफेज में, जबकि टेलोफेज में यहाँ जो क्रोमोसोम्स है इसका डीकंडेंसेशन या विकुंडलन होगा। क्या होगा जी, क्रोमोसोम्स है गुणसूत्र है, यह क्या होगा, विकुंडलित होकर के धागे नुमा बन जाएगी इस प्रकार से। और इस प्रकार जब ये विकुंडलित होगा, तो यहाँ पर केंद्रक झिल्ली, जो महत्वपूर्ण फैक्टर याद रखिएगा, केंद्रक झिल्ली का निर्माण भी इसी जो टेलोफेज में यहाँ पास फिर से पुनः निर्माण हो जाएगा। जो प्रोफेज के दौरान जो केंद्रक झिल्ली लुप्त हो गया था, वही केंद्रक झिल्ली यहाँ पर क्या है, टेलोफेज में पुनः निर्माण हो जाता है। साथ साथ यहाँ पर हम देखें जो केंद्रिका है, ठीक है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस का भी पुनः निर्माण हो जाता है ना। और अंत में हम देखेंगे पाएंगे कि यहाँ पर दो संतति न्यूक्लियस का, दो संतति केंद्रक का निर्माण हो जाता है। और इस केंद्र के अब हम क्रोमोसोम की जो नंबर से को हम बात करें है ना, क्रोमोसोम्स की बात करें, तो जितना इसका जो मदर सेल में था है ना, उतनी ही इसमें क्या है, दो संतति न्यूक्लियस का निर्माण हो गया। अब ये जो कोशिका है यह साइटोकाइनेसिस के लिए तैयार है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आपको याद रखना है, यहाँ पर जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम्स है, यह ध्रुव में पहुंच जाएगा। दूसरा चीज आपको याद रखना है कि क्या रख रहे हैं कि जो प्रोफेज के अपोजिट होता है। साथ साथ यहाँ पर जो क्रोमोसोम का क्या होता है, डिकंडेंसेशन या गुणसूत्र का विकुंडलित होता है, विकुंडलित होकर के धागे में बनेगा, केंद्रक झिल्ली का पुनर्निर्माण और केंद्रिका का पुनर्निर्माण। इतना जो पॉइंट पॉइंट है, इसे आपको क्या है, फैक्टर टू फैक्टर याद रखना है। आप इसे क्या है, स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से नोट्स बना करके पढ़ सकते हैं। अब हम इसके बाद में देखेंगे कि साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, उसको हम नेक्स्ट देखेंगे, साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन। तो अभी तक साथियों यहां तक आप लोग देखे थे कि जो टेलोफेज के बाद में इस प्रकार से दो डॉटर जो न्यूक्लियस का निर्माण होता है, ठीक है, पुत्री जो केंद्र का निर्माण होता है। तब इसे यहाँ पर हम देखेंगे तो पादप कोशिका में जैसे ही जो विभाजन होता है ना, साइटोकाइनेसिस,
तो पादप कोशिका में सेल प्लेट विधि द्वारा होता है, जबकि यहाँ पर सेल फैरो या इसे हम बोलते हैं कोशिका खांच विधि द्वारा होता है। ठीक है, सेल फैरो या कोशिका खांच विधि के द्वारा जंतु में साइटोकाइनेसिस होता है जंतु कोशिका में। तो सबसे पहले हम देखेंगे पादप कोशिका में, तो पादप कोशिका में देख लीजिए जो फ्लेग्मोप्लास्ट का निर्माण होने लगता है। ठीक है, और जो फ्लेग्मोप्लास्ट है या दो कोशी दो न्यूक्लियस के बीच वाला भाग में एकत्र होने लगते हैं, और यही फ्लेग्मोप्लास्ट है इसमें क्या करता है एंडोप्लाज्मिक के टुकड़े, ठीक है, और बल्जी पुटिकाएं मिल करके क्या बनाता है जो एक सेल प्लेट का निर्माण करता है। ठीक है, और बाद में ही क्या बोलता है जो मीडियल लेमिना का निर्माण कर लेता है। ठीक है, इस प्रकार से दो कोशिका के रूप में अलग हो जाता है। ठीक है, एक बार और याद रख लीजिए क्योंकि पूछते हैं बार बार, यहाँ पर जो फ्लेग्मोप्लास्ट का निर्माण करने के लिए ईआर के टुकड़े और गाल्जी पुटिकाएं यह बीच वाले जो पोर्शन में सेंट्रल वाले पोर्शन में एकत्र होने लगते हैं। ठीक है, और यह एक प्लेट का निर्माण करते हैं जिसे हम कहते हैं सेल प्लेट या कोशिका पट्टिका, जिसके माध्यम से पादप कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है। दूसरा चीज हम देखेंगे जंतु कोशिका में साइटोकाइनेसिस। तो जंतु कोशिका में जो साइटोकाइनेसिस होता है यह कोशिका खांच या सेल फैरो मेथड के द्वारा संपन्न होती है। हम देखेंगे यहाँ पर कि सेल फैरो बनने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ के जो बीच वाले जो पोर्शन में कुछ माइक्रोट्यूबुल्स एकत्र होकर के मिड बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है जो कुछ माइक्रोट्यूबुल्स एकत्र होकर के मिड बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, साथ ही साथ इस वाले पोर्शन में तो माइक्रोफाइब्रिल्स एक पेरिफेरल रिंग का निर्माण करता है। बाद में इस पेरिफेरल रिंग और मिड बॉडी के बीच में अट्रैक्शन होता है। ठीक, इस मिड बॉडी और पेरिफेरल रिंग के बीच में अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन से यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसे अंदर की ओर खींचते ले जाती है। जैसे इस प्रकार की इसमें खिंचाव उत्पन्न होती है, और बाद में यह दो कोशिका को अलग कर देता है। तो इसी प्रकार से सेल फैरो मेथड के द्वारा दो डॉटर कोशिका का फिर क्या है यहाँ पर निर्माण होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे साइटोकाइनेसिस जंतु कोशिका में किस मेथड से सेल फैरो मेथड के द्वारा। तो यहाँ पर कौन कौन काम आया, यहाँ पर दो माइक्रोट्यूबुल और माइक्रोफाइब्रिल। माइक्रोट्यूबुल से क्या निर्माण हुआ मिड बॉडी का, और माइक्रोफाइब्रिल से पेरिफेरल रिंग का, और ये दोनों के बीच में क्या हुआ था खिंचाव हुआ था अट्रैक्शन हुआ था, जिसके वजह से यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन को खींच करके बीच की तरफ ले आए, और इस प्रकार से क्या है दो कोशिका का दो पुत्री कोशिका का निर्माण हो गया। अब यहाँ पर जो मेजर याद रखने वाली जो चीजें हैं कि हमें जो कोशिका जो लिए थे जिसका विभाजन जो हुआ वह कैसा था, यहाँ पर जो पुत्री कोशिका बना है यह अपने पेरेंट सेल के भांति ही बना है, यानी कि माइटोसिस डिवीजन से जो बनने वाले कोशिका है वह अपने पेरेंट कोशिका के समान होते हैं, उसमें क्रोमोसोम नंबर की के नंबर क्या रहता है समान रहता है। तो साथियों आज के क्लास में इतना ही, आप लोग इसे बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छा से नोट्स बना करके तैयारी कीजिए, क्योंकि ये हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी क्या है एशियाई एग्जाम का भी डेट तो टल गया है, तो यह कभी भी हो सकता है एग्जाम आपका, तो तैयारी करते रहिए खूब, है ना, क्योंकि एग्जाम आपका कभी भी हो सकता है और अन्य एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, चाहे आप नीट का कर रहे हैं या नेट का कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सारा चीज़ें क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारे चैनल में वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि जो अच्छी वीडियो है अच्छे नॉलेज है आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। आज के क्लास में इतना ही, थैंक यू।